सत श्रीकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुलवंत सिंह, मैं और रविंदर सिंह जी एक बार फिर एक नवी विचार चर्चा दे नाल तुहाडे रूबरू होए हां। ते अज दी इस विचार चर्चा च असी चर्चा करांगे हार्ट नाल संबंधित, दिल नाल संबंधित। हार्ट अटैक एक अजिही बीमारी है जिहड़ी जानलेवा साबित हुंदी है, कईयां नूं पहली वार दे विच ही मौत अपनी अगोश्त लै लैंदी है ते कईयां नूं चार चार हार्ट अटैक तो बाद भी जिहड़ा उह सरवाइव कर जांदे ने। इहदे पिछे दे की कारण ने, हार्ट अटैक क्यों हुंदा, हार्ट दी प्रॉब्लम क्यों आउंदी है, हार्ट अटैक वाले मरीज़ नूं की खाणा चाहीदा की नहीं खाणा चाहीदा, जिहड़े तंदुरुस्त बंदे ने उहनां नूं हार्ट दी समस्या, दिल दी बीमारी ना होवे उहदे लई की खाणा चाहीदा ते की नहीं खाणा चाहीदा, अज आपां रविंदर सिंह जी तो जानदे आ। रविंदर सिंह जी, तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। रविंदर सिंह जी, हार्ट, दिल एक अजिहा ऑर्गन, एक अजिहा अंग जिहड़ा कि जमण तो लैके मरण तक नॉन स्टॉप काम करता बिना रुके, किवें डिफाइन करोगे? हाँ जी, सब तो चीज़ पहली गल, मैं किसी भी चीज़ को समझने च बिलीव करना है। हार्ट है की, इहदा काम की है? अटैक तो बहुत दूर की गल है। हार्ट एक मसल है, जिवें थोड़े पिंजरी है ना मसल, एक मसल है। इहदा काम दो है जी, धड़कना ते रिलैक्स करना। तो ही थोड़े दो ब्लड प्रैशर होंदे ने, डायस्टोलिक ते सिस्टोलिक, है ना। वो दोनों हार्ट की एक धड़कन है, एक उसकी कॉन्ट्रैक्शन है। यदा काम क्यों है? इन्हें सारी बॉडी ब्लड नूं सर्कुलेट कराना है। ब्लड ने सारे पार्ट्स नूं जिंदा रखने लई ऑक्सीजन ते न्यूट्रिशन भेजनी है, वो इहदा काम है। हुण इहदा हैगा एक रिदम, रिदम समझ, एक बीट होंदी है, डग 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 एक मिस, डग 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 एक मिस। जदों रिदम टुट जाता फिर अरिदमियाज हो जाता है। बड़े लोगों को प्रॉब्लम है हार्ट अरिदमिया, देखो नाम च रिदम है, वर्ड रिदम, रिदमिया मतलब वो रिदम ऑफ हो गया, वह रिदम हिल गया। तब हार्ट का काम की है? हार्ट है कि हार्ट एक मसल है। हार्ट का काम है बॉडी नू ब्लड की सप्लाई भेजनी, वापस लेके फिर भेजनी। तो ये एक पेसमेकर होंगे, वो अरिदमिया जो है वो स्पीड नू बनाने वाला पेसमेकर है, वो पेसमेकर एक मसल है। वो भी हूँ कदे किसी के जिंदगी जी नाड़ चढ़ी होनू पुछियो कहो जहा लग्या, नाड़ तो सुते पे नाड़ वो तोड़ा पला हो, हार्ट अटैक पता की, हार्ट में नाड़ चढ़ जाती है। मसल क्रैम्प नहीं कहते इंग्लिश वर्ड, एक क्रैम्पिंग ऑफ द मसल है। जब मसल क्रैम्प हो गया वो की करेगा, कितना दर्द होता है, वो तो इन्नी दूर मसल है जी अपने नर्वस सिस्टम से, एक खासा नेड़े है जिन्हें तो वो नहीं फिफ्थ नर्व की उन्होंने किन्नी ना होंगी है, जिन्नी नर्व हार्ट के सॉरी ब्रेन के नेड़े है उन्ना दर्द इंटेंस है। तो ही जाड़ की ट्रबल तो बंदा ना हो जाती है, अख की ट्रबल तो बंदे ना हो जाती है, वो फिफ्थ नर्व च ना हो जाती है। जिन्नी ब्रेन के नेड़े नर्व, पेन उन्नी खतरनाक। ये उरे इमेजिन करो थोड़े सेंटर ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट नाड़ चढ़ गई, ये हार्ट अटैक है। दैट्स ऑल इट इज़, जिन्ना मर्जी कॉम्प्लीकेट कर लो। हाँ, ये होंदा किहड़े कारण करके अलग है, मगर दिस इज़ हार्ट, इहदा फंक्शन ते हार्ट अटैक का मतलब की है, सिंपल जिन्हों कहेंगे एक देसी बंदे की भाषा च। हाँ जी, चलो ये भी एक नवी जानकारी वाधा किया कि हार्ट अटैक हार्ट की नस चढ़ कर जान करके होंदा है। लेकिन हार्ट अटैक जिहड़ा उहदे विच कई कारण होर भी कहे जांदे ने, कहिंदे वी ब्लॉकेज आ जांदी है विच जिहड़ी वेन्स दे विच जां आर्टरीज़ दे विच ब्लॉकेज आ जांदी है, उहदे करके हार्ट अटैक हुंदा है। हार्ट अटैक जिहड़ियां हार्ट दी अपनी जिहड़ी किसे मसल दे वेन दे विच खराबी आउंदी है उहदे करके हुंदा है। हाँ जी, तीन मेन कारण ने जिहदे करके हार्ट अटैक हुंदा है। हुण तुहानूं एक आर्टरी है, चलो टैक्निकल नाम है कॉर्नरी आर्टरी, उहदे विच लैट्स एक पाइप है, उहदे विच पेंचर लग गया माड़ा जिहा, वो पेंचर नूं भरन लई बॉडी ने एक सिस्टम बनाया होया, कोलेस्ट्रॉल ते कैल्शियम दा पेंचर आके उहनूं पेंचर नूं ला दिंदा। हुण उह पेंचर सामने भी लग गया, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, उरे भी लग गया, उरे भी लग गया, वह पाइप की हो गया, पतला हो गया, उहदा डायमीटर इनर डायमीटर घट गया। ह्यूमन जिहनूं, हाँ जी, तो बाहरों दिख रहा पाइप इन्ना बड़ा, अंदरों पेंचर लग लग के उहदी इन्ना करे गया। जिवें आपां किसी पाइप नूं जब लैने हैं तो देखो उस प्रैशर बढ़ जाता है। हुण बंदे दा की होया जी, उहदे हार्ट नूं हुण दुगना काम करना पैना उस चीज़ चो ब्लड कढ़न च ते वापस मंगाउण च। हार्ट ते की पिया प्रैशर, हार्ट एक मसल है, जे वह एक नॉर्मल काम तो ज़्यादा काम करा दोगे कोई गलत तरीके नाल, वो की होएगा, क्रैम्प हो जाएगा, मतलब अटैक हो जाएगा। तो पहला रीज़न उहदे क्रैम्प होण दा, कॉर्नरी आर्टरी च पेंचर। मैं जाऊँगा कारण, वो पेंचर क्यों लग गया सी, वो पेंचर का कारण की सी, बॉडी की करना पिया। दूजा कारण अरिदमियाज। हुण हार्ट के बिच जगह स्टोरेज जगहवां ने,
है ना, उस सब तो एक जगह पेसमेकर जिथे की है उन्हें स्पीड बनाई रखनी, एक स्पीड है धड़कन की जी रिदम है टक 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 मिस डक एक ताल ताल नहीं होती ताल वो भी उसकी ताल है। हुण थोड़ा हार्ट के पेसमेकर जिथे ब्लड गया अरिदमिया की प्रॉब्लम आ गई उतों ब्लड बाहर निकल नहीं पाया वो की हो गया उत्थे पिया रह गया वो बन जाता क्लॉट। हुण वो क्लॉट हार्ट ने क्योंकि उन्हें तो कोशिश करी जानी है उन्हें तोड़ता अगे वो जाके कितने फसेगा जी आर्टरी च वो किसी आर्टरी जाके फसेगा वो कारण हार्ट अटैक हो जाता है ब्लॉकेज जिन्होंने कह दोगे। मगर वो ब्लॉकेज कितने आई अरिदमिया च जिन्हें पेसमेकर सॉरी तो उत्थे प्रॉब्लम आई खून खड़ा रह गया हार्ट च वो खड़ा रह गया वो क्लॉट हो गया वो क्लॉट जब तुर पेगा थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। तो ही कई लोग यही दवाई खाने कि वो ब्लड थिनर खाने हैं एक क्लॉट ही ना बन जाए वो भाई उस तक पहुँचे क्यों। तीजा कारण सीधा हार्ट, हार्ट की है मसल है कोई भी मसल नूं क्रैम्प कर सकते हो तुसीं उन्हूं न्यूट्रिशन डाउन करके उहदे हुण जिवें मसल है हुण जद मैनूं मेरे को सोल्यूशन दस देना जे नाड़ चढ़दी है कैल्शियम ते मैगनीशियम ये कुछ इहो जिहे मिनरल्स ने इहनां दी कमी होण करके लत्त दी नाड़ चढ़दी है। बंदे नूं कैल्शियम दे दो या मैगनीशियम दे दो या दोनों का कॉम्बीनेशन एप्पल साइडर नाल उन्हां दे नाड़ चढ़नी बंद हो जाती है। असीं हर रोज़ एक क्लाइंट की प्रॉब्लम हेल्प करते हैं सेम हार्ट चलता इलैक्ट्रोलाइट्स से जे थोड़ी न्यूट्रिशन डाउन होगी मसल च क्रैम्प पै सकता बंदा कहिंदा मैनूं हार्ट अटैक हो गया। तो तीन मेन मेजर कारण ने जिहदे करके हार्ट क्रैम्प करता जिन्हों हार्ट अटैक कह दें। हाँ जी तीन मेन कारण ने जिहदे करके हार्ट अटैक होंदा। हार्ट अटैक हार्ट की समस्या एक अजिही समस्या जिहड़ी कि बहुत कम खराब करती है जानलेवा साबित होंदी है। एक बंदे नूं हार्ट की समस्या आ गई उहदे की लक्षण होणगे। देखो कहिंदे ने कि 10 साल पहलां हार्ट के सिमटम्स आने शुरू होने हैं है ना उहदे च की हो सकता कईआं दे पेन चली जांदी है लैफ्ट पासे राइट पासे वो एक साइन है सिंपल जे साइन है। हुण लैट्स से थोड़ा डॉक्टर ने कहता कोलेस्ट्रोल बढ़ गया थोड़ा क्यों बढ़िया इन्ना कोलेस्ट्रोल बॉडी नूं क्यों बनाना पै गया। वैसे कोलेस्ट्रोल थोड़ा हाई अच्छी गल है जिहड़ी नॉर्मल फिगर है ना मैं उस तो हाई चलना क्योंकि कोलेस्ट्रोल दे नाल ही हॉर्मोन बनता है। मगर जिहड़ा हुण कोलेस्ट्रोल कहिंदे प्लैकिंग होगी वो साइन है डैमेज का साइन है। होर ला लो तुसीं बी पी वधन लग गया वो एक साइन है। होर स्ट्रैस बंदे नूं थोड़ा जिहा जिवें बाम रोला रहिंदा नूं है ना बाम रोला रहिंदा कि टेंशन रहिंदी है ये हार्ट का एक साइन है। थोड़े नाड़ा चढ़न लग गई ज़्यादा ये भी बुरा साइन है एक 100% नहीं है मगर अगर नाड़ उत्थे चढ़ रही है इलैक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी है। हार्ट का कम सारा इलैक्ट्रोलाइट्स है जे मेरे कोई हार्ट अरिदमिया का क्लाइंट आ जाता है सानू 110% पता है कि दिक्कत कितने है। जे बंदे नूं नाड़ा चढ़ रही है तो इहदा मतलब हार्ट की समस्या हो सकती है हो सकती भी है जरूरी नहीं है 100% है। किहड़ा इलैक्ट्रोलाइट कितने जा डैमेज कर रहा है जिवें पोटैशियम हार्ट लई जरूरी है कैल्शियम मैगनीशियम ये जरूरी है तो सानू वो इलैक्ट्रोलाइट्स की एक लिस्ट है ट्रेस मिनरल्स की अलग लिस्ट है वो असी देखना होंगे कितने है। तो साइन पढ़ने बहुत मुश्किल है जिहड़ी सब तो आसान चीज़ है सीख लो क्यों होंगे तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बैटर दैन क्योर है ना कि मैं इस खाना कि भाई उत्थे तक पहुँचो ही ना जे पहुँच गए इलाज हैगा नहीं है इलाज नहीं है मगर उत्थे तक पहुँचो ही ना। तो मैंने तो यह भी दस देना कि जिहड़े तुहानूं तीन कारण दस्से तीनों होंगे क्यों ने मेरे को भी लिस्ट है कि वाई इट हैपनस इन द फस्ट प्लेस क्यों होंगे। ठीक है जी पहली चीज़ जी मैं तुम की कही थी कॉरनरी आर्टरी। हुण लैट्स से थोड़ी बॉडी इनफ्लेमेशन है वो किस करके होंगी है जी हाई इंसुलिन करके। तो मैं टैक्निकल च नहीं जाऊँगा एक ट्यूब है वो अंदर भी रबड़ है बाहर भी रबड़ है अंदर ही रबड़ च गली होनी शुरू होगी बॉडी ने नाल दी नाल इम्यून सिस्टम ने वाइट ब्लड सैल्स नूं भेजना उत्थे वो जाके की करेंगे वो एक थोड़े शरीर का अपना पेंचर वाला सिस्टम है उत्थे कोलेस्ट्रोल ते कैल्शियम का पेंचर ला देगी वो क्यों लग गया वो बॉडी ने तो थोड़ा बचाने लिए लाया क्योंकि वरना गली होनी है गली मतलब हैमरेज फट गई नस हैमरेज तो बचाने लिए एक पेंचर लाया वो पेंचर ही थोड़ा दुश्मन बन जाता क्यों क्योंकि हुण वो ट्यूब पतली होंदी जा रही है हार्ट का जोर लगी जाता वो पेंचर लग गया हाई कार्ब हाई शुगर वाली डाइट खान करके क्योंकि वो की होया बॉडी चाहिए इनफ्लेमेशन तो हाई इंसुलिन ये दोनों की कंडीशन हार्ट की इन सॉरी कॉर्नरी आर्टरी की इनसाइड खुरन लग जाती है। तो वह पेंचर लाया बॉडी ने थोड़ा बचाने लिए कल्परेट कौन सी तुसी दोषी तो बंदा सी ना उन्हें गलत खाया। तो पहला रीज़न है हाई कार्ब हाई जिन्होंने आप कहेंगे इंसुलिन वाली डाइट वो अपनी आर्टरी के अंदर कॉर्नरी आर्टरी के अंदर गलियां कर लैंदी है वो गलियों को बचाने लिए उत्थे कोलेस्ट्रोल ते कैल्शियम का पेंचर लगता है। तो लोग सोचते कोलेस्ट्रोल माड़ा नहीं वो बचाने लिए आया थोड़ी बॉडी को बनाना पिया क्योंकि तुसी अपनी बॉडी को तंग करिया सी। दूजा कारण जिहड़ा है अरिदमिया ये सिंपल जी गल है जी ये इलैक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम है। हुण इमेजिन करो तुसी सिर्फ भटूरे ते छोले खाने हो परौंठे खाने हो चाहे मक्खन खाने हो नाल ते थोड़ी तीजी मील च लैसे तुसी दाल भाजी खा भी ली थोड़ी न्यूट्रिशन डाउन है जी
न्यूट्रिशन डाउन होंदे ही मसल्स सब तो पहला जिहड़े कि इलैक्ट्रोलाइट्स नाल चलते हैं वो क्रैम्प होंदे ने तो नाड़ा चढ़निया शुरू होनी है। तो इलैक्ट्रोलाइट्स जिथे डाउन होए तो वह भी कि इलैक्ट्रोलाइट सब तो ज़्यादा पोटैशियम तो मैगनीशियम हार्ट के जोड़े दो जरूरी वह ने इलैक्ट्रोलाइट्स वो पोटैशियम तो मैगनीशियम है जो ये थोड़ी बॉडी डाउन हो गए अरिदमिया हो जाता अरिदमिया होना की होंगे कलॉट बनना कलॉट तुर गया वो जाके कलॉग हो गया हार्ट अटैक हो गया जोर लाते लाते हार्ट नाड़ चढ़ गई पंजाबी तो अरिदमिया उत्थे तक पहुँचे क्यों इलैक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम उत्थे क्यों पहुँचे नो वैजिटेबल्स किहड़ियां अनकुकड सैलड वैजिटेबल्स अनकुकड वैजिटेबल्स जिन्हों से सलाद कहने की है जी पोटासीयम मैगनीशियम कैल्शियम जिहड़ा बॉडी सब तो चाहिए थोड़ा पता नहीं जी लोग पोटैशियम अगर किसी मैं कह भी देना कहते 90 mg की गोली ले ली जी मैंने मैं क्या थोड़ा पता थोड़ा पोटैशियम किन्ना चाहिए एक नॉर्मल थोनू मैनू चंगा खाता बंदा 4400 mg 4.4 ग्राम पोटैशियम डेली चाहिए अपनी बॉडी तो एक आम बंदा किन्ना खाता जोड़ा कहू ठीक खा रहा है 4 ग्राम तो भी घट सॉरी 4 mg वो मिलता कड़ी चीज़ों चो बहुत चीज़ों से मिल जाता जी वह सब तो ज़्यादा लीफी ग्रीनस मिलता वो जोड़े लीफी ग्रीनज़ ने उस सब तो ज़्यादा पोटैशियम है जिमें आप सब्जियां कह देंगे आप सलाद कह देंगे अनकुकड उस सलाद है उस पोटैशियम सब तो ज़्यादा तो मैगनीशियम उस ज़्यादा आप मरिंगा तो वीट ग्रास तो अपना जोड़े इस तरह दीज़ों के आप कह सकते हैं भी इन्हें मिल सकता है। हाँ जी मगर हमेशा कॉम्पलैक्स जिमें हम मरिंगा कल है वह एक टाइप की चीज़ होनी है ता ही मैं लोगों को कहना वैजिटेबल सैलड हो उस मरिंगा पत्ते पालो उस वीट ग्रास पालो क्योंकि एक चीज़ एक कॉम्पलैक्स एक चीज़ होनी है असं कोशिश कर रहे हैं हाँ तक साढ़े को है नहीं तैयार पूरा असं की करें असं ग्रीन सब्जियां लिया उन्होंने डीहाइड्रेट कर लिया विदाउट सन कि है ना उन्होंने की है सिर्फ पानी उड़ाता असं उसे टैसट करा वो बहुत हाई पोटैशियम आ जाएगा। हाँ उस अगर तुम आह दोनों चीज़ा पालोंगे तो बहुत घंट कम वीट ग्रास मगर अपना की कहने एलगी हाँ जी हाँ जी जिन्होंने स्पिरुलिना कहने अगर हम जो बाहरले क्लाइंट ने थोड़े है ना जो दर्शक ने एवोकाडो दुनिया की सब तो ज़्यादा पोटैशियम है अगर दो एवोकाडो एक बंदा दिन च खाता है 4400 mg वह पूरा हो जाता है। हम कई लोगों एवोकाडो खाना नहीं आता कई बरतने वो अगर चाहते हो भी आई कैन गिव ए सजैशन मगर एवोकाडो बहुत ज़्यादा पोटैशियम है। इंडिया च नहीं है तो केले चो मिल सकता नहीं केला नहीं खाना जी वो फ्रक्टोस फ्री च मिल रही है तो केले के उपर थोड़ा पता साढ़े को साढ़े फैक्ट्री के फैक्ट्री है सूँ पता उत्तर की लगता उन्होंने जी गैस ने पकाने ना रात को हमेशा देखो केला बर्फ़ की फैक्ट्री रखते हैं वो पिछले कारण है वो बर्फ़ की सिली के उपर कैमिकल ला देने फिर उत्थे रख देने और रातों रात सारा केला कट्ठा येलो हो जाता तो देखो केला तुम दो दिन अपने फ्रिज रख दो फट जाता क्योंकि रिएक्शन हजे भी चल रहा होंगे वो गैस जी अंदर बढ़ गई है तो मैं केले रिकमेंड नहीं करता। हाँ कच्चा केला खा सकते हो खा लो उस फ्रक्टोस नहीं होंगी हजे उस मिठास नहीं होंगी वरना केले पोटैशियम है मगर 12 केलिया उन्ना पोटैशियम होना जिन्ना दो एवोकाडो ने देना थोड़ा नाले एवोकाडो उत्तर मिलता नहीं ना। हाँ जी हाँ जी तो आप सजैशन देने ही अपने को सब्जियां मिलती अपन है ना स्प्राउट्स कर सकता बंदा ग्रीन वो अपना जी चीज़ हरी होगी वो पोटैशियम आ गया जी चीज़ हरी होगी उस पोटैशियम आ गया चकंदर बीज लो जी वट बना के ना चकंदर बीज लो वो पत्ते खाई जाने चकंदर नहीं खाना पत्ते खाई जाओ सब तो सैकेंड नंबर से सैकेंड बेस्ट पोटैशियम इन्हू कहने बी टॉप्स बार कि चकंदर ना जिम्मे अपने कहें स्प्रिंग अनियन एवं स्प्रिंग जिन्होंने कह दोगे तो माड़ा जहा हुआ सी पत्ते फुटे पट लिया वो पोटैशियम सैकेंड बेस्ट है एवोकाडो तो बाद असी तो ही कोशिश करें कि ग्रीनस ले उन्होंने डीहाइड्रेट कराया असं वह पोटैशियम चैक करा कि उस किन्ने ग्राम से कि पोटैशियम आ गया ताकि बंदे की सैलड की भी क्वालिटी पूरी हो जाए पोटैशियम की भी। ठीक है जी आप अगर चाहते तीजा कारण जोड़ा है कि हार्ट का मसल ही क्रैम्प कर गया हार्ट अपने आप से क्रैम्प कर गया ये क्यों होया जी हूँ हार्ट का काम है ऑक्सीजन पहुँचाना जे थोड़ा विटामिन ई लो हो गया थोड़ी ऑक्सीजन कैरिंग कपैसिटी घट गई विटामिन ई अपनी बॉडी से ऑक्सीजन की कैरिंग कपैसिटी बढ़ाता है हूँ थोड़ा विटामिन ई लो हो गया हार्ट में वो ऑक्सीजन तो उन्हें पहुँचानी है उन्होंने ज़्यादा काम करना पैंता क्योंकि उन्होंने लग रहा जिते मैं जिनी चीज़ पहुँचानी सी पहुँचा नहीं पाया जिन्ना एक बार पहुँचाना सी उन्ना 3 बार पहुँचाना पै रहा है। दूजी चीज़ विटामिन बी डेफिशेंसी जिन्होंने बी कॉम्पलैक्स कहने वो स्पैशल विटामिन है B1 थायामिन ए डेफिशेंसीज हार्ट के उपर उदा ही प्रैशर पा देनी है जिथे हार्ट पर प्रैशर पिया हार्ट फिर की करेगा क्रैम्प कर गया इस अरिदमिया नाल कोई लेना देना नहीं है इस कोई लेना देना नहीं है कोरोनरी आर्टरी का ये हार्ट अपने आप से न्यूट्रीशन करके तुसी कहो नाड़ चढ़ गई एदा हुण फिर उत्थे जाना ये दो डेफिशेंसियाँ क्यों आनी है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लो न्यूट्रीशन डाइट
गोभी पत्ता गोभी ब्रोकली विटामिन ई नाल रिच ने, है ना। जे तुसी समझो तुसी दो भटूरे खा ले, वो थोड़ी बॉडी चो विटामिन बी ले लैंदा। एक चीज़ दे के जाती एक चीज़ लेके आती है। हुण थोड़े कुछ लर्न जिन्हों कहने पढ़े लिखे होने वो कहणगे रविंदर होल ग्रेन फूड दे विच विटामिन ई ते बी हुंदा, थोड़ी नॉलेज उरे तक बिल्कुल ओके है। पीस ते सार ऑक्सीडाइजेशन है, दोनों मर जाने। तड़े लोग लैंदे ना रविंदर तुसी अच्छा खानु कहने असी होल ग्रेन ब्रैड खा रहे हैं। मैं कह आटा कद पीसिया सी सानू की पता, छे घंटे बाद आटा पीसे च ऑक्सीडाइजेशन नाल जिहड़ा लास्ट प्रोटीन ते विटामिन बी ते विटामिन ई मर जाने हैं। या तो तुसीं आप पीसिया नाल दिना ब्रैड बना लिया तो वह भी खा लिया नाल दिना खा लिया। पुराने जमाने तीन चक्की सवेरे सवेरे करते सी, आटा उदों तक गुंदे सी, गल खत्म। अज आप आटा 3 महीने पहला पीसिया हुंदा, खत्म है जी, उस कुछ नहीं रहा, उस लास्ट प्रोटीन डेड है, उस बी ते ई गया। तो जिहड़े लोग पहले ही क्वेश्चन लेके तैयार ने ना अपनी नॉलेज दे, उन्हों पढ़ लियो माड़ा जिहा, ऑक्सीडाइजेशन नाल विटामिन ई ते बी मर जाता है। तो जदों तुसीं कार्बोहाइड्रेट वाली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली या चीनी वाली डाइट खा रहे हो, तुसी अपनी बॉडी चो विटामिन ई ते बी लो करता। जिथे लो हो गए हार्ट दे क्रैम्पिंग बढ़ गई। तुसी मैं दिखा दूंगा थोनों, तुसी अगर कहो ऑक्सीजन मीटर नहीं हुंदा उते अपनी वो आ जाती है पल्स, मेरा क्लाइंट अपनी पल्स चेक करके देख ले, जिहड़ा 1 मील ते आ गया पल्स इन्नी लो है जी, हार्ट नूं प्रैशर ही नहीं पै रहा। वो एक मारदा है गल पहुँच गई बह जाता, फिर एक पंप मारदा बह जाता। जिहड़ी पल्स है जिन्नी हाई होगी तुसी उन्नी छेती अपने सह गिन रहे हो, पंजाबी कह दिए तो सह गिने हुए ने, सच्ची गल है। जे हार्ट बहुत तेज चल रहा है वो सह ब्रर, जे सह आराम नाल चल रहा है, जिन्ना बंदा एथलैटिक होएगा जिन्ना बंदा तंदुरुस्त होएगा उसकी BMR नहीं उन्हें कहने वर्ड भूल जाना मैं रेशियो अपनी किन्नी रेट से हार्ट चल रहा है उसकी रेट बहुत हौली होंगी है, तो वो बहुत अच्छा साइन है, उन्होंने कामनैस का साइन कहना। जब तुम गुस्से होने थोड़ी हार्ट रेट एलीवेटेड होंगी है, तो जब तुम काम होंगे हो रिलैक्स होंगे हो तुम थोड़ी विटामिन ई तो बी अच्छा है, तुम थोड़ी हार्ट रेट बहुत स्लो होंगी है। ठीक है जी, तो हूँ घोल के गल तो आ जाइए, ये सारिया गल् पता कितने आगे जुड़ गई, की खाइए की ना खाइए, ये उत्थी गल जुड़ गई जी जो मैं हमेशा तो कहना, कार्ब्स नहीं खाने नहीं खाने, रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खाने। मगर हूँ अगर तुम कहो होल ग्रेन खा लेने, होल ग्रेन भी तो इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन कि कैटेगरी चली गई, नंबर 1 च कॉर्नरी आर्टरी नू इंसुलिन डैमेज कर दी इनसाइड, उत्थे पेंचर लगेगा कोलेस्ट्रोल ते कैल्शियम दा, ते बंदा हार्ट अटैक दे लेवल तुर पिया। मैं नहीं कहना हो जूगा, मगर तुसीं तुरे कि उस पासे नू आपां तां रिपेयर करना। जिथे तुसीं आ दो चीज़ां छड़ती हैं कार्ब्स शुगर, इंसुलिन घट गई, इनफ्लीमेशन सोजस घट गई, वो पेंचर भर जाएगा, वो कोलेस्ट्रोल मूव कर देगा, फिर वो लिवर प्रोसेस करके बाहर कट देगा क्योंकि फैट है, वो तद तक नहीं तुरेगा जब तक वो डैमेज ठीक नहीं होएगी। तो वो डैमेज ठीक करने लिए अपने ब्लड थिनर नहीं खाने, अपने दवाइया नहीं खानिया, उत्थे तक अगर पहुँच गए तो वह भी तरीका है, मगर उत्थे तक पहुँचो ना। मेरा पहला रूल यह है, वह कहते टाणी कट्टन तो बचा लो, टाणी कट के गिर गए बच सकती है, हैगा फेविकॉल, मगर उत्थे तक पहुँचो ही ना, सिंपल। ठीक है, तो डाइट के बिच की होना चाहिए, हुण विटामिन ई पोटैशियम मैगनीशियम कितों मिलेगा, हरी सब्जियां चो, कच्ची हरी सब्जियां, खीरा तर मूली प्याज गोभी पत्ता गोभी ब्रोकली, और थोड़े उधर ब्रसल स्प्राउट्स मिलते हैं, एसपैरागस मिलती है, सैलरी मिलती है बाहर लिया दस रहे मैं, एवोकाडो मिलता है ना, ब्रोकली स्प्राउट्स वीडियो कर रहे हैं अपने स्पैशल, बड़ी सोहनी चीज लभी है, रामबाणा का रामबाण एंटी कैंसर, होर तुसी चिया स्प्राउट कर सकते हो, तुसी मस्टर्ड स्प्राउट्स कर सकते हो, अगर थोड़े को गर्मी है, लोग को बड़े सोहने बहाने होंगे हैं कि लै अजकल गर्मी रविंदर सैलड नहीं मिलता, मैं कहा हाथ लाने की गल है जी, बना लो 100 ग्राम, तुसी 200 ग्राम डेली तुसी वो नहीं बना सकते स्प्राउट्स, डब्बा मिल जाता पानी पा के रखना शाम नू बन गए, वो वक्री गल है कि तुसी अगर बहाना करके निकलन नू निकलन दा सोचना है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, मगर देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। दूजे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने, कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन थोड़ी आर्टरी डैमेज करेगी कॉर्नरी नू, अरिदमिया प्रॉब्लम करेगी, तो ऑटोमैटिकली कार्बोहाइड्रेट थोड़ी बॉडी चो बी तो ई कर देगा, तो दो पासों मार रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं बी तो ई माइनस कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स केड़ी चीज़ों ने यह भी दस, ब्रैड रोटी मैदा नूडल्स बर्गर पीज़ा जी चीज़ तुम ला लो जी, मैं एक छोटी चीज़ दसदा हूँ कि जी पॉप कर सकती नहीं, मैं पॉपकॉर्न है मक्की है तुम, हाँ बुड़कती है, हूँ तुम वो चौलों की खिल्ला बन जानी है, थोड़ा पता कणक भी पॉप होंगी बाहर मिलती है, वो पॉप क्यों करी, हम मैंने बड़े लोग कहेंगे फॉक्सनट के बीच बहुत मैगनीशियम है, मैं क्या मगर नालों की है हाई कार्बोहाइड्रेट है, तो तुम पता दुनिया की सब तो ज़्यादा रिच मिनरल्स वाइन के बच्चे, मगर नाल की है अल्कोहल, तो वो जिम्मे आप वोट पा ला के देखते हैं कि घट खराब कौन है, तो मैं वो चीज़ लभूंगा कि
ये चंगा भी है मगर किन्ना माड़ा होगी तो देखो तो तुम कहता मैंने कि बनाना च पोटैशियम है नाल की फ्री मिल रहा है वो जरूर देखना तो अपने गलत चीज़ नहीं चूज़ करनी वो वर्गी वो ना हो हूँ कार्बोहाइड्रेट्स जड़ी जी चीज़ा च ने है ना जी चीज़ मिठा पै गया अच्छा मिठे के नाम नहीं पता लोगों सिर्फ ग्लूकोस या चीनी मिठा कह देने सुक्रलोस फ्रक्टोस लैक्टोस लैक्टोस किस दुध च है फ्रक्टोस किस है फ्रूट च है सुक्रलोस अजकल शुगर फ्री गोली नहीं आती मैं कहना चीनी खा लो वो ना खा लियो गलती ना दोनों चीज़ा ना खाइयो वैसे मगर वो चीनी तो भी माड़ी है वो दो पासों अटैक करती है लिवर में भी खराब करती है पैनक्रियाज में भी खराब करती है एक होर नाम दस देना दो नाम होर ने बड़े अमेरिका कैनेडा खाते हैं एक स्क्रीन अपने आती है चलो वो नहीं स्पलेंडा बिल्कुल नहीं खाना अगावा नेक्टर बिल्कुल नहीं खाना दो नाम होर दस देना डेक्सटोरस मल्टा डेक्सटोरिन ये चौलों तो बनने वाली चीज़ है ये ज़्यादातर चीज़ों करियर कैरियर यूज़ करते हैं जब विटामिन पाना होंगे ना उन्होंने किसी ने मिक्स करना होंगे कैप्सूल च पढ़ियो असली चीज़ तो 2 ग्राम है बिच 20 ग्राम की है डेक्सटोरस मल्टा डेक्सटोरिन चीनी तो भी खतरनाक चीज़ा ने वो नहीं खानी आपने स्टीविया दसिया थोड़ा बेस्ट चीज़ है ना अगर तुम शुगर होर लभना चाहते हो मेरे को अल्टरनेटिव है वो असं अपनी कोचिंग के पार्ट से ही सिखाने कि अगर क्लाइंट में चीनी खाने का दिल करता है तो उन्होंने शुगर से की दे सकते हैं बिना शुगर तो जिसका साइड इफेक्ट ना हो जो स्पलेंडा स्पलूडा ने है ना ये बड़ी चीज़ें आदि ने एसप्रटेन ये सब बहुत ही घटिया चीज़ा ने यह बॉडी चो ऑटोमैटिकली अपने गट बैक्टीरिया मार देने जिते गट बैक्टीरिया मरिया ऑटोमैटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर तो तुम पूछो इन्हें बीमारी कितने जा सकती है तो यह चीज़ा नहीं करनिया करना की है जी असं खाने कहने कि थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए डाइट अच्छा फैट होना चाहिए फैट की करता फैट बॉडी को अपने आप लीन कर देता है जी थिनिंग तुम सोचो थिन चाहिए ब्लड थिनिंग वो फैट नाल होंदी है वो शुगर नाल बढ़ती है शुगर ना थोड़ा कोलेस्ट्रॉल फैट बढ़ता है फैट खाने नाल थोड़ा फैट घटता है एक छोटा जिहा एग्जाम्पल देना मैंने बड़े लोग कहने तुसी तेल खवाने हो मैं तो पतला होना चाहता सी मैंने फैट खवा रहे हो मैं कह साडे ना पुराने टाइम च नलका लांदे सी घरे नलके चो पानी कढ़न लई ना पहले एक बाल्टी पानी पैंदा फिर वो पानी चकदा सी तो अगर थोड़े शरीर में फैट खाने की आदत नहीं है ये कदे नहीं खाऊगा वो लगे रह जांदा बड़ी डाइट करी रविंदर पतला नहीं होया मैं कहा 4 चम्मच तेल पीना तो शुरू करो फैट मैं फैट की करना मैं तो पहले ही बहुत मैं कह नलके च पानी पाना पैना एक बार फैट खाने लग गई बॉडी उन्हें सारा खोल के खा जाना एंड इट वर्क्स 5,000+ लोगों पतले चाहे 5 नहीं करे पतले 3,000+ करे ने मगर उन्होंने रिजल्ट मिले फैट खा के मगर फैट के नाल कदे भी गलती ना कार्बोहाइड्रेट तो चीनी नहीं खानी फिर तुम डेडली कॉम्बीनेशन है वो इंसुलिन बनाता तो मेरा ये मेरी ओपीनियन है हार्ट के उपर अफकोर्स थोड़े डॉक्टर ना डिसएग्री नहीं करता मैं जो थोड़ा कोई दवाई तो पाया है मैं नहीं कहूँगा बंद कर दो मगर अगर तुम उत्थे नहीं पहुँचना उस पॉइंट तक तो यह चीज़ें फॉलो हिदायत फॉलो करके तुम अपने हार्ट की लॉन्जिटिविटी मतलब वो म्याद बढ़ा दोगे हाँ जी मान लो भी ये तो चलो थोड़ी गल होगी भी हार्ट की कि प्रॉब्लम कि समस्याव जड़िया ने वो कि रूप से कितने तक बंद ले जाने हूँ एक बंद पहला हार्ट की समस्या हैगी है वो की करे सब तो पहला मैं उन्होंने वो केस बहुत हौली जाना पैना उन्होंने आप 1, 3, 5, 7 नहीं कर सकते उन्होंने 1, 1.5, 1.5, 2 चलूगा वो पौड़ी चढ़न का तरीका है पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स घटा देंगे ना घटावे ना 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 एकदम बंद करता हार्ट एकदम रिलैक्स हो गया उपर डॉक्टर दवाई खा रहे हैं ना रिलैक्स तो हो जूगा हार्ट मगर वो जिम्मे हूँ किसी शुगर के पेशेंट को एकदम कार्ब बंद करा दो गोली बंद ना कराओ वो ब्लड शुगर गिरन लगती है उमें इनू मैं कहूँगा पहला हाँ जी ठीक है जी की खा रहा सी मैं 3-3 फुलके 3-4 बारी खाना गुड मैं कहूँगा ऐ करो फुलके 3 खाने अद्धा आटा अद्धा बेसन कर दो उस तो थोड़े दिन बाद 75 पैसे बेसन कर दो 25 पैसे आटा कर दो अच्छा ऐ करो 1 टीस्पून छोटा हाँ 5-6 ml का कोकोनट ऑयल शुरू करो कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल नहीं कराऊंगा मैं कोकोनट ऑयल शुरू कराऊंगा 5-7 दिन बाद वो 1.5 कर दो इन्ने प्यार ना काम करना कि शरीर को पता भी नहीं लग्या वह शुगर तो कार्बोहाइड्रेट्स तो 0 हो गया फिर वो अपना ब्लड टेस्ट कराता है वो ब्लड थिनर की लोड घट जाती है क्योंकि हार्ट रिलैक्स हो गया हूँ जो स्टंट पे होया होर भी स्लो करया किस मैंने डरते ने लिया केस एक बार लें उसे होर भी स्लो करते हैं क्योंकि वो पेसमेकर हूँ दवाइया के नाल जो काम चल रहा है वो एक सिस्टम गिजा होया चंगा भला आप सिस्टम चेंज करना बिना पता लगे एक लख नहीं बड़े एक्साइटेड होने कई लोग कि कर दे सब कुछ बदल वो बंदा दूजे दिन बीमार पै जाता डॉक्टर जाके इन्ना डरा देता वो कहता तू पहाड़ जाए सीधी गल अगला तो कहेगा जान तो उपर कुछ नहीं है जी है ना जे तुम बड़ा चेंज कराता बंदा एक्साइटेड होता कि रविंदर ने कहता वो नहीं 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 ये भी देखना कितने किड़ी चीज़ अपलाई करती है हूँ तुम मैं इस प्रोटोकॉल जो पहले इतना फॉलो कर सकते हैं हूँ बंदा पहले ही बड़ा हाल है ना एक अद्धा हार्ट अटैक होंदा रह गया है ना
ਐਨਜਾਈਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਟਮ ਵੀ ਦੱਸ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਡਾਇਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋਗੇ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ। ਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਾਹ ਕਰਦਾ। ਪੈਰਾਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਜੈਸਟ, ਹਾਰਟ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਗ ਪਹਿਲੀ ਧੜਕਣ ਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਦੇਖੋ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ, ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਾਇਜੈਸਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟਸ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਏ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਟਸ ਏ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਯੂਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਅ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਗਲੈਂਡ ਹਾਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਧੜਕਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਕ ਡੱਗ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਗਲੈਂਡ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਨੀਚਾ ਬੀ ਪੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੰਪ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਡੈਪਟੋਜਨ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਡੈਪਟੋਜਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਅਡੈਪਟੋਜਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਪੈਰਾਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਨਹੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾਊਂਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫੈਟ ਖਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਹਰਿਕਲੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ, ਬੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਖਾਊਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਲ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਮੀਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲਾਦ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਟ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਆ ਸਕਦਾ 1.5 ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਸ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਲ 'ਚ ਸਲਾਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਟ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਲਾਦ, ਫੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਟ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਲਾਦ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਤਰ, ਮੂਲੀ, ਪਿਆਜ਼, ਗੋਭੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਬਰੋਕਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਚਕੰਦਰ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਲਕ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਹਰਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਲਾਦ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਾਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਪਰਾਊਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਆ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਰੋਕਲੀ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਟਰਡ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਪਰਾਊਟ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਾਊਟ ਬਾਕਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੀ ਪੀ ਏ ਫਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਲਮੀਨੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਰਾਊਟ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰੋ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਊਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੋਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਲਾਦ, ਖੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਗਰ ਸਲਾਦ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਊਡਰ ਸਲਾਦ ਉਹ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਲਾਦ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾ ਪੀ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈ, ਵਟ ਐਵਰ, ਹੁਣ ਜੂਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਗਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਲੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਾਇਜੈਸਟ, ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਡੈਪਟੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਲੈਟਸੇ ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਓਕੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ 6 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਠੰਡਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 8 ਖਾਣੀਆਂ 6 ਖਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਖਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੋ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਆਲ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਸਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੰਟ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਜੇ ਬਚ ਗਏ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜੇ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 0.10%, ਹੈ ਨਾ, 0.10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚੀਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਟਾ, ਮੈਦਾ, ਨੂਡਲ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਇੱਕੋ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਓਕੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਹੇਵਾਲ ਗਾਂ ਜਾਂ ਗੀਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪੱਠੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਵਰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ, ਮਗਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫਾਰਮਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਅਫਕੋਰਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਪਰਾਊਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਾਊਟਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਫੂਡ, ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਣਾ, ਨੂਡਲ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਾਰਬਸ ਨੇ, ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨ, ਚੀਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਚੀਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਮਾਪੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਏਕ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਏਕ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਹੈ, 85-95-75-40-90, 85-95-75-40-90, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਚ ਕਰ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ ਕੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9888-484-7575-000, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ,
ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿੰਮੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਤਕਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।